Let's move on now. Nitish Kumar is all set to take oath as the new Bihar Chief Minister today. The big Bihar showdown came to an end after Jeetan Ram Manjhi resigned as the Chief Minister just hours before the floor test to avoid any embarrassing defeat. As the calculations simply were not in Manjhi's favour despite explicit support from 87 BJP MLAs. जब वो टेक ओवर करेंगे आप मुबारकबाद देंगे? हाँ निश्चित रूप में देंगे। हाँ नहीं फोन क्या, हम जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में, वहाँ पर उनको हम थैंक्स देंगे, शुभकामना देंगे। और अगर नीतीश जी कहें कि चलिए गिला शिकवा माफ, हमसे भी गलती हुई और हम चाहते हैं कि मांझी जी आप हमारे साथ वापस आए, आप हमारे परिवार के हिस्सा हैं। नहीं वो तो अब बहुत आगे बढ़ गए हैं लोग और हम नहीं समझते हैं कि नीतीश कुमार में इतनी क्षमता है कि इस प्रकार की बात को रिग्रेट करेंगे, क्योंकि वो मान रहे हैं कि हमने बड़ी भारी गलती की है। वो समझ रहे हैं कि साहब अब आप हाँ, तो बदल गया हाँ, नहीं नहीं अब बदल गया है, अभी भी वो उनके दिमाग में है, तो हम इस चीज को नहीं मानते हैं। अब ऐसा कहेंगे तो हम सोचेंगे देखेंगे, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि उनके दिल में कभी ये बात आ सकती है, क्योंकि इतना अपना को सुपर मानव एक तरह से समझते हैं कि हम ऐसे गरीबों से बात करने में उनको थोड़ा सा जरूर रिजर्वेशन है। और नहीं तो 7 महीना से दूसरे से गाली सुनवा रहे थे, हमको बेइज्जत करवा रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, क्या बतलाता है। बिहार के लिए एक अच्छा दिन आने वाला है, सुशासन के लिए प्रसिद्ध है और बिहार की गाड़ी को पटरी पर लाने वाले नीतीश कुमार एक अंतराल के बाद अपनी जिम्मेवारी संभालने जा रहे हैं, यह बिहार के लिए न केवल खुशी की बात है बल्कि गर्व की बात है। और आज जो विधायक यहाँ आए हैं या जो कार्यकर्ता आए हैं, चारों दलों के लोग हैं, निर्दलीय विधायक हैं, बिहार की आम जनता है, सब लोग खुश हैं, इसलिए भोजोड़ा। Well, let's listen in quickly to some of the reactions that have come in to that oath taking that is likely to take place today. जब से जदयू ने को राजद का समर्थन मिला था उसके बाद से ही बिहार का वातावरण, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, लेकिन हम ये अपेक्षा करेंगे कि वैसी हालत पैदा न हो। और क्या डील इनके अंदर हुई है, कैसे शासन चलेगा, वो जो आतंक राज कहते थे और जंगल राज कहते थे और सुशासन का मिश्रण कैसा होगा, ये उनको बताना चाहिए। Let's take a quick look now at Nitish Kumar's possible cabinet. Former Food Minister of Bihar Shyam Raja could get a berth in Nitish's cabinet. Bihar Vishan Parishad member and Planning and Development Minister in Manjhi's government PK Shahi could also figure in the list. Former Agriculture Minister of Bihar Renu Kushwaha is also a front runner for a ministerial berth. Now besides these names, other probables include Shravan Kumar, Vijay Kumar Chaudhary, Vijendra Yadav and Lalan Singh.